ओह माय गॉड, इन चेन्नई इन वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच अफगानिस्तान क्लिंच अमेरिकल अगेंस्ट पाकिस्तान, एक बिरादर मुल्क ने बिरादर मुल्क को धो दिया, और वो भी काफिरों के देश में। वाह, वंडरफुल अचीवमेंट बाय अफगानिस्तान। आज दोस्तों, आज पाकिस्तान की सारी हेकड़ी, इनकी क्रिकेट का पूरा जनाजा ही निकल गया। जिस तरह से अफगानिस्तान ने इनको हराया ही नहीं है, बहुत ही बुरी तरह से हराया है, 8 विकेट से हराया है। 8 विकेट मतलब कुछ होता है। और ये खुश हो रहे थे, बड़े से पाकिस्तानी एक्सपर्ट कह रहे, बाबर आज 283 रन, 82 रन, 83 रन कैसे बना सकती है ये अफगानिस्तान की टीम। और कह रहे थे कि ये बाबर आजम को तो अगर 76 रन बनाया तो बड़ी टीम के अगेंस्ट बना के दिखाए। आज जिस टीम को ये छोटी टीम समझ रहे, उसने इनको धो दिया। पूरे पाकिस्तान को सिंधु नदी में जाके डूब मरना चाहिए। इनको क्रिकेट आज ही इनको बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाना चाहिए था। अपनी बेइज्जती कराने के लिए क्यों इंडिया में आए हो? तुम्हारा दुश्मन देश है, यहाँ तो जो तुमको स्वागत किया गया वही देख के हम लोग को गुस्सा लग रही थी। तो काफिरों के देश में तुम्हारी कितनी फजीहत हो रही है, किसी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। तुम सोचते हो कि तो घटिया लोग हो, एक्सपर्ट बैठ के तरह तरह की बकबक करते रहते हैं टीवी पे, शहर चैनल पे आके। अब सारी हवा निकल गई पाकिस्तान की। और क्या बाबर आजम, आज उनका रिजवान भी फ्लॉप हो गया। ये सोच रहे थे कि इतना अंडर एस्टिमेट करके रखा था। और ये भी बता दूं कि अफगानिस्तान की टीम के साथ 100 करोड़, 130 करोड़ भारतीयों का दिल भी धड़कता है। हम दिल से बता रहे हैं कि हम चाहे घटिया से घटिया टीम हो, लेकिन हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान हार जाए। कभी हम पाकिस्तान को जीतना नहीं देखना चाहते। जैसे तुम लोग इंडिया से दुश्मनी रखते हो, तो हम लोग को कोई शौक नहीं है तुमसे दोस्ती रखने, और किसी से भी मैच छोड़ो, लेकिन हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान हारे। अगर पाकिस्तान खेल रहा है उस मैच में, तो हम भी अच्छी तरह से दुश्मनी निभाना चाहते हैं। तुम लोग को जिस तरह से जूतों से मारा है आज अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने, भिगो भिगो करके, अभी कभी मुंह मत दिखाना, न कभी टीवी पे आके बात करना, न किसी रिपोर्टर से बात करना। तुम इस लायक ही नहीं हो पाकिस्तानी खिलाड़ी, एक भी खिलाड़ी, सारे घटिया। आज अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने 37 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं हम भी उनके साथ खेलते हैं, लेकिन वो जिस तरह के प्यार से रहने वाले, भारत को बहुत प्यार करते हैं सारे अफगानिस्तानी, तुम्हारी तरह नहीं है कि हर प्लेटफॉर्म पे जाके हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, भारत दुश्मन है, ऐसे बक बक करते रहते हो। चखो मजा, अभी तुम लोग अभी भी तुम उम्मीद लगाए हो कि तुम इंग्लैंड को भी हरा दोगे, तुम साउथ अफ्रीका को भी हरा दोगे, तुम बांग्लादेश को भी हरा दोगे, तुम न्यूजीलैंड को भी हरा दो, अभी सपने देखते रहो। अब अगले ही मैच में तुमको तो बांग्लादेश वाले भी धोएंगे। तुम लोग की जो गत बनी हुई है कि अभी इंडिया से क्रिकेट खेलने की बात करते हो, पहले जाके नंबर 2 3 स्टैंडर्ड की टीमों से पहले गेम खेलो अपना। कनाडा अमेरिका इधर उधर की जो टीम नई नई बन रही है, नेपाल में जाके उनसे प्रैक्टिस करो, तब तो उसके बाद बात करना है ए ग्रेड की टीमों के साथ खेलने। तुमको जिस तरह से आज तुम्हारे बोलेपन का जो है जनाजा निकला है ना, उस तरह से अफगानिस्तानियों ने आज बता दिया। आज उन्होंने रिकॉर्ड रन चेज किया है, पहली बार 282 रन को चेज करना पहली बार उन्होंने किया है, और इसलिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हम लोग उनके अचीवमेंट से बहुत खुश हुए हैं। इसके पहले एक सक्सेसफुल चेज शायद अफगानिस्तान ने 276 रन का किया था, आज तो उन्होंने 282 के बाद 86 बना दिया है। तो अब समझ, तुमको 286 जूते मारे हैं अफगानियों ने, पाकिस्तान के खिलाड़ी समझ लो तुम लोग, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हो तुम। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस मैटर पे ये अकेला वीडियो नहीं है, अभी एक और वीडियो आएगा आप लोग के। लेकिन आज हम लोग बहुत खुश हैं, जिस तरह से अफगानियों ने धोया है इन लोग को, ये इसी काबिल हैं। वो भी काफिरों के देश में धोया है,
इस बात की और खुशी है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट व्हाटएवर यू वांट टू डू। थैंक यू वेरी मच।